बिहार के औरंगाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और मेरे साथ कुछ युवा हैं। युवा यहां पर खड़े हैं और युवाओं की समस्या क्या क्या बिहार में है, क्या क्या समस्या है बिहार में युवाओं के लिए? बिहार में बहुत समस्या है, मेन है यहां की बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर है। शिक्षा तो यहां मतलब समझिए कि जीरो लेवल से भी नीचे का है। और युवा का है कि जो भी मतलब युवा का एक ही मकसद रहता है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। इस स्टेट का ही नहीं है, पूरा इंडिया का ही है। तो अग्निवीर योजना, उससे चार साल के बाद फिर युवा क्या करेगा, देखा तो बहुत है। अभी पूंजीपति की सरकार है, हम लोग के गरीब के इस सब के सरकार आना चाहिए। हिटलर शाही सरकार पूरा है। बिहार में बहुत दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत है बिहार में। किसानों का नहर जो पुराना जो गया है देव से उधर आमस गया है, नहर भी खुदाया उसमें पानी नहीं दिया है, अभी तक किसान के लिए दिक्कत है हर एक चीज़ का। और हिंदू मुसलमान से काम नहीं होता है, आदमी के काम रोटी कपड़ा रोजगार चाहिए। बिहार के आदमी जाता है दिल्ली पंजाब कमाने के लिए तो वहाँ गाली के शब्द देता है, कहता है कि बिहारी आया है, बिहारी है। तो बिहार में रोजगार नहीं है तब ना जाते हैं दिल्ली कमाए। सरकार मोदी सरकार कहता है कि 15 लाख दे दिए खाता में और राम मंदिर बन, राम मंदिर से पेट भर जाता है आदमी को, खाएगा नहीं रोटी कपड़ा तो राम मंदिर से पेट भरेगा। युवाओं को क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट में रोजगार चाहिए, उसके बाद ही कुछ और साथ ही साथ रोजगार, जिस पर बीजेपी सरकार तो एकदम सब तो बेच दिया, तो रोजगार क्या देगी बीजेपी से गवर्नमेंट, हर चीज़ को बेच दी और बोलती है किसान के लिए काम करें। किसान के लिए देखें ना, दिल्ली बॉर्डर को देखें किस तरह से सील करके रखी है, डीएपी खाद का रेट कहाँ पहुँचा दिया, 5 kg अनाज देकर बोलती है कि कहीं ना कहीं हम किसानों के लिए 5 kg अनाज दे रहे। वही हिसाब हो गया ना कि आपका 100 रुपया ले करके और आपको उसमें से 5 रुपया दे करके 95 रुपया अपने पैकेट में रख लिए हैं, हमारा पैसा और हम ही के साथ इस तरह से कर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे साथ ही ये चीज़ सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार अगर ईवीएम हटेगी तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है जीतने के लिए। अगर क्यों नहीं बीजेपी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, जिस तरह से दिल्ली में ईवीएम को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, वहाँ सचिनगारी लग करके पूरे देश में जिस तरह से बढ़ रही है बात, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव बीजेपी गवर्नमेंट करा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को बर्बाद की है, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बिहार की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रोष में है और अब इंडिया गठबंधन की सरकार न केवल बिहार में बल्कि केंद्र में भी चाहती है। एक और कहावत इस पर मुझे याद आ रही है कि ये जो धुआं है आपको कुछ घरों से उठता दिख रहा है ना, पूरे शहर पर छा जाए तो कहिएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है और न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक।